कहते हैं ना नानी बोचरा जी माता जो पुजारी था पहले का पहले राजीव महाराज भी था और नानी बोचरा जी माता भी था तो जो पुजारी था अनपढ़ था तो उसको बोला माता जी ने हमको आरती ने पहले करना है तो राजीव महाराज है श्री कृष्ण है राधा है युगल स्वरूप विराजमान है उनका मैं भी अर्धांगनी हूँ लेकिन हमको पहले आरती ने करना है तो राजीव महाराज को आरती करो राधा कृष्ण की आरती करो ये आरती करके हमको दिखाना माने लूंगा। तो ये पुजारी को बोल दिया तब से पुजारी जी पहले राजीव महाराज को आरती करते हैं तक माता जी को आरती दिलाते हैं भोग भी लगाता था पहले माता जी को लगाते थे बाद में राजी को देता था कहा कि ये धंधा नहीं करने का हमारा भी प्राण के पति है आप पीछा लोगर हमारा भी प्राण के पति है हमारे पत्नी है ये खा करके आपको देगा तो अच्छा लगेगा नहीं पत्नी को अच्छा भी नहीं लगेगा पहले पति को खिलाओगे तो पत्नी को अच्छा लगेगा ये कहा कि हमारा भी पति देव है उसको जूठा मैं भी खाने वाला हूँ उनको पहले भोग लगाओ उसका जूठा मैं भी खाऊंगा। तब से बोचरा जी माता यहाँ पर साक्षात दर्शन देख करके कहा कि उनकी प्रसाद हमको देना और किसी को नहीं देना। तब से पूजा जी राजी महाराज को भोग लगा करके उसको देते हैं उन तो ये भी खाते हैं राजी महाराज को खिलाते ही है। तब से ये नियम नानी बोचरा जी का है अपने प्रणामी मंदिर है नहीं ये टेम्पो वालों को हम क्या बताएंगे हमें कहाँ बेड रोड नानी बोचरा जी प्राणनाथ हॉस्पिटल से जानते मूल मिलावा तो कोई नहीं जानेगा अच्छा, नहीं वहाँ तो जाएंगे हम दूर पड़ता है महाराज जी एक मिनट मीडिया का नाम क्या है मीडिया वाला लिख दिया हूँ दूरदर्शन हेलो दूरदर्शन सरकार यहाँ पर पास में अभी क्या पड़ता है तीन पत्ती तीन पत्ती।